नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की ब्रेकफास्ट स्पेशल रेसिपी है नमकीन पराठा। हम पराठा सब्जी के साथ तो खाते ही हैं, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब्जी नहीं होती, पराठा के साथ खाने के लिए दही भी नहीं, और आलू गोभी पराठा खाते हैं, आलू का पराठा खाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ नमकीन पराठा, जिसे हम मिक्स नमकीन है ये, इसमें गाठिया, पापड़ी, सेव सब कुछ है, जिसे फरसान भी कहते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, चटपटा मीठा, खट्टा मीठा टेस्ट है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नमकीन है और थोड़ा सा फीका है, तो आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से नमक, मिर्च, सौंफ, जीरा डाल सकते हो, जिससे टेस्ट बढ़ जाएगा। और इसमें सिर्फ और टेस्ट बनाने के लिए प्याज डाल रही हूँ। अगर आपको प्याज नहीं डालना तो इसे अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ हरा धनिया से और अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बड़ा प्याज बारीक काट लिया और थोड़ा सा हरा धनिया अच्छा सा बारीक काट के धो लिया है। और जिस तरह नॉर्मल रोटी पराठे के लिए आटा गूंथते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के आटा गूंथ दिया है। और पराठा बनाने के लिए ऑयल है, तो आप ऑलिव ऑयल में, बटर में, घी में पराठा बना सकते हो। तो शुरू करते हैं पराठा बनाना। तो सबसे पहले ये जो नमकीन है, हमें इसका पाउडर बनाना है। तो इसे मिक्सर जार में डाल के एक पाउडर तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अच्छा सा एक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, नमकीन को अच्छे से पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और इसमें प्याज भी डाल देती हूँ। और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देती हूँ। आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हो, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, टेस्ट बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से। और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। स्टफिंग तैयार हो गई है हमारी, और अब मैं पराठा बनाऊंगी। शुरू करते हैं पराठा बनाना। हमारी स्टफिंग भी तैयार है, आटा तो है ही, और रोटी पराठा बेलने के लिए जिस तरह हम सूखा आटा लगाते हैं, तो एक मैंने प्लेट में ले लिया है। और यहाँ तवा भी रख दिया है बिल्कुल धीमी आंच पे गर्म होने के लिए। तो एक गोला लेंगे हम, हल्का सा बड़ा रखेंगे क्योंकि स्टफिंग भरनी है हमें। और जब भी स्टफिंग वाला पराठा बना रहे हैं हम, तो हल्का सा आटा टाइट हो तो अच्छा है। ये देखिए, एक मैंने लोई ले ली है और गोल कर लेंगे। थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ मैं इसमें, और इसके एक कटोरी जैसे बना लूँगी क्योंकि इसमें स्टफिंग डालूँगी। ये देखिए, अच्छे से गोल कर लिया है। और अब मैं इसमें स्टफिंग डालूँगी नमकीन वाली है, और अच्छे से दबा लूँगी। ये देखिए, और अच्छे से बंद कर लेंगे सभी तरफ से। ये देखिए, इस तरह से घुमा के अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। जो लोग इस तरह से नहीं बना पाते हैं, दो एक ही साइज की रोटी बना के उस पर स्टफिंग डाल के, उस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से पैक हो गया है। और आटा लगा लूँगी और बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। थोड़ा सा छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पर स्टफिंग वाले पराठे मुझे थोड़े से छोटे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं छोटा ही बनाऊँगी क्योंकि उसमें स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा भरी है, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, अच्छे से बेल लिया है। और यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया, हल्का सा गर्म भी हो गया है। तो अब मैं ये पराठा डाल दूँगी सिकने के लिए, और हल्का सा स्टफिंग बाहर भी आएगी तो कोई बात नहीं, वो सिक जाएगा और पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं मीडियम आंच पे सेक रही हूँ पराठे को, एक साइड से हो जाए उसके बाद दूसरी तरफ पलटूँगी। जब तक एक पराठा सिक रहा है, मैं दूसरा बेल लेती हूँ। तो मैंने आटे की लोई ले ली है, थोड़ा सा आटा और लगा देती हूँ, और इसकी एक कटोरी तैयार कर लेती हूँ। स्टफिंग डाल दूंगी। और अच्छे से दबा देंगे और बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से बंद कर देंगे
अच्छे से बंद हो गया है और आटा लगा के बिल्कुल ठीक वैसे ही हल्के हाथों से बेल लेंगे पराठे को। जरूरत के अनुसार आटा लगा लेंगे। ये देखिए बेल चुका है पराठा, लगभग 2 मिनट हो गया है, धीमी आंच पे पराठा सिक रहा है, तो मैं इसे पलट देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आया है और दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए उसके बाद मैं ऑयल लगाती हूँ। ये देखिए पराठा दोनों ही तरफ से सिक गया अच्छे से, ये देखिए, तो मैं इसमें ऑयल लगा देती हूँ। अगर आप इस पराठे को ऑयल फ्री भी बनाएंगे, ऑयल नहीं लगाएं और अंदर अच्छा सा मसाला, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। पलट दूंगी और दूसरे साइड भी ऑयल लगा देती हूँ और धीमी आंच पे अच्छे से सेक लूंगी। दोनों तरफ से पलट पलट के पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। किनारे पे अच्छे से दबा लेंगे कि नॉर्मली स्टफिंग वाला पराठा हल्का सा मोटा होता है, तो कहीं से कच्चा ना रहे, किनारे अच्छे से सिक जाएं। पराठा देखिए दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखिए पराठे को अब मैं निकाल लेती हूँ, पराठे को अब निकाल लेती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से सिक गया है, तो अब मैंने जो दूसरा पराठा बेल के रखा था वो डाल देती हूँ और ठीक बिल्कुल वैसे इसे भी सेक लेती हूँ और इसी तरह पराठे बना के फिर मैं इसे सर्व करूँगी। गर्मा गर्म नमकीन का पराठा तैयार है खाने के लिए, जिसे मैंने दही के साथ सर्व किया। आप इसे चटनी या चाय के साथ भी खा सकते हो। वैसे ये पराठा अपने आप में ही इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हो। तो आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। नॉर्मली हम गोभी आलू के पराठे तो बनाते ही हैं, तो अब इस तरह का पराठा बना के देखिए नमकीन का, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। नाश्ते के लिए, टिफ़िन के लिए, सफ़र के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि नमकीन का पराठा आपको कैसा लगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।